या गुड आफ्टरनून एवरीवन टुडे वी आर डिस्कसिंग कम्बशन एंड फ्लेम दिस इज लेक्चर नंबर टू ऑफ कम्बशन एंड फ्लेम इन आर प्रीवियस वीडियो वी टोल्ड यू अबाउट कम्बशन कैलोरीफिक वैल्यू इग्निशन टेम्परेचर कैलोरीफिक वैल्यू वाज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग वन ग्राम ऑफ अ सब्सटांस राइट कि अगर आप वन ग्राम सबस्टांस को बर्न करते हैं बेटा तो जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं जैसे कि जो डंक केक थे उनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी कम थी फाइव टू एट जूल पर ग्राम थी और हाइड्रोजन की हाइएस्ट थी इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटांस स्टार्ट बर्निंग एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटांस बर्न करना शुरू कर देता है उसे इग्निशियन टेम्परेचर कहते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा जैसे इग्निशन टेम्परेच मॉडरेट होना चाहिए ना तो इतना कम हो कि रूम टेम्परेचर पे ही आग लग जाए और ना इतना ज्यादा हो कि आप बर्न करने की कोशिश करते रहें जैसे वेट वुड का केस ले लें पर वो चीज बर्न ही ना हो तो इग्निशन टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट होना चाहिए राइट द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अबस्टान स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर अब मैंने मैजस्टिक की हिस्ट्री आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी आई होप राइट कि कैसे मेजस्टिक बर्न होती है ये सब हमने पढ़ लिया था ओके okay? तो हमने ये देखा था कि कोई भी कम्बस्टिबल जो सब्स्टांस है बेटा कोई भी कम्बस्टिबल अगर सब्स्टांस है तो वो अपने आप फायर नहीं पकड़ लेगा अपने आप आग नहीं पकड़ लेगा जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लोअर ना हो जाए जैसे आपने देखा है कि कुकिंग ऑयल को भी आपने आग पकड़ते देखा है जब फ्राइंग पैन को बर्निंग स्टोव पर आप ज़्यादा समय तक रखते हैं और अगर ठीक है ना तो आपको ध्यान रखना है यही कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल और वुड वो इ, अपने आप रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ लेते लेकिन अगर कैरोसिन ऑयल को जरा सा भी हीट किया जाता है तो वो आग पकड़ लेता है लेकिन वुड को अगर आप हीट करेंगे थोड़ा बहुत तो वो आग नहीं पकड़ेगी क्योंकि जो वुड का इग्निशन टेम्परेचर है जब तक वो अचीव नहीं हो जाता तभी तो इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन ही यही कहती है बेटा कि टेम्परेचर एट विच अब सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग उसी को उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं ठीक है अब यहां एक एक्टिविटी हेल्प से समझेंगे कि बर्निंग कैंडल देखिए इसमें दो पेपर कप्स हैं आप देख सकते हैं सामने उन्हें हमने फोल्ड कर दिया एक शीट ऑफ पेपर के द्वारा ठीक है और उस पर फिफ्टी एम वाटर हमने प्योर किया है एक कप पर और फिर हम दोनों को ऐसे कैंडल से हीट कर रहे हैं अलग अलग ऑब्वियसली जो एम पेपर कप है वो जल्दी जल जाएगा और जिस पे पानी आपने प्योर किया था वो नहीं जल पाएगा राइट अब ये कह रहा है क्या वाटर इस कप का अंदर हॉट हो जाएगा ठीक है तो ये बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी आप खुद करके इसका आंसर ढूंढ सकते हैं राइट आप मुझे अपने रिजल्ट्स ज़रूर बताइएगा इस एक्टिविटी में जब आपने एक पेपर कप में पानी भरा था उसको कैंडल से बर्न किया और एक को नॉर्मली बर्न किया तो क्या रिजल्ट मिले तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ ठीक है इफ वी कॉन्टिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप अगर आप लगातार उसको हीट करते रहेंगे कप को तो जो वाटर प्रेजेंट था जिस वाले बाउल में जिस पेपर कप में वो बॉयल भी हो सकता है क्या आप इस फिनमिना का एक्सप्लेनेशन सोच सकते हैं जो हीट आपने पेपर कप को सप्लाई की है वो ट्रांसफर हो गई है वाटर में कंडक्शन फिनमिना के द्वारा वाटर की प्रेजेंस में यानी कि जो इग्निशन टेम्परेचर पेपर का था वो रीच ही नहीं हुआ इसी वजह से जिसमें पानी था जिस पेपर कप में वो बर्न नहीं होगा राइट द सब्स्टांस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और जो ईज़ली फायर पकड़ लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम इनफ्लेमेबल सब्सटांसिस कहते हैं या आप डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे सबस्टांसिस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और वो ईजली फायर पकड़ लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटांसिस कहते हैं एग्जाम्पल के लिए जो इनफ्लेमेबल सब्सटांस हैं वो है पेट्रोल एल्कोहल एलपीजी ये वो गैस है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज़ का फुल फॉर्म है जो आप घर पे यूज़ करते हैं ऐसे और भी इन्फ्लेमेबल सब्सटांसेस हो सकते हैं कैरोसिन हो सकता है स्पिरिट हो सकता है राइट right? बहुत सारे हो सकते हैं अब क्वेश्चन आता है कि हम फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं जैसे मान लीजिए कहीं आग लग गई है तो क्या क्या तरीके हैं उसे आग बुझाने के ध्यान से देखिए आपने देखा होगा फायर ब्रेकिंग आउट इन होम शॉप्स और फैक्ट्रीज़ में लगते हुए अगर आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है तो आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए और जो फायर डिपार्टमेंट है उसका नंबर भी टेलीफोन नंबर भी आपको पता होना चाहिए अपने एरिया का राइट ये हम सभी के लिए जरूरी है क्या आपके शहर में कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है जैसे बेटा मेरे घर के पास है एक और एक यहाँ से सेक्टर फिफ्टीन में है ठीक है ना दो फायर स्टेशन है राइट ये आप ध्यान रखना जब भी कोई फायर ब्रिगेड अराइव होती है तो वो क्या करती है वट डज इट डू इट प्योरस तो वो वॉटर प्योर करती है आपको पता ही है ठीक cool है इट प्योरस वाटर ऑन द फायर वॉटर कूल करता है कंबस्टेबल मटीरियल को ताकि टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से बिलो हो जाए आपको पता है ठीक है वाटर कूल्स द कंबस्टेबल मटीरियल सो दैट द टेम्परेचर इज ब्रॉड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर इसकी वजह से फायर जो है और फैलने से रुक जाती है जो वाटर वेपर होते हैं सराउंडिंग में कंबस्टेबल मटीरियल के सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होते हैं वो भी एयर की सप्लाई को कट कर देते हैं और मैंने पहले भी बताया ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबसन राइट अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दोगे बेटा तो आग बुझ जाएगी आपको पता ही है ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है तो हमने ये सीखा कि तीन असेंशियल रिक्वायरमेंट है आग लगने के लिए जैसे कि फ्यूल जो एयर ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर लेकिन आप इस फायर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट राइट यह आपको ध्यान में रखना है क्लास आप चाहें तो इसको ईजिल कंट्रोल कर सकते हैं या तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दें अगर छोटी मोटी फायर लगी होती है तो फायर एक्स्टिंगिशर यूज़ करते हैं उसमें से सी ओ टू गैस निकलती है उसमें एसिड कॉन्क एस टू एस ओ फोर और बेकिंग सोडा के मिक्सर से या हायर क्लास में सीखेंगे टेंथ क्लास में सीखेंगे ठीक है ना जो गैस निकलती है वो सी ओ टू होती है द जॉब ऑफ अ फायर एस्टिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंक डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ ये आपको ध्यान में रखना है जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं फायर एस्टिंगविशर देख सकते हैं आप अभी मैंने बताया कि सबसे कॉमन फायर एस्टिंग्विशर तो वॉटर है लेकिन वॉटर तभी काम करता है जब वुड या पेपर इन चीज़ों पर आग लगी हो अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर पर यू नो फायर लगी है आग लगी है तो जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और हार्म कर सकता है जो आग बुझा रहे हैं और वाटर स्यूटेबल नहीं है अगर ऑयल या पेट्रोल पे आग लगी है ये आपको ध्यान रखना है राइट right? तो आपको क्योंकि पता होना चाहिए वाटर इज हैवियर देन ऑयल यानी कि ये सिंक कर जाएगा बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप राइट तो ऐसी फायर जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि पेट्रोल डीजल इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए सीओ टू सबसे बेस्ट तरीका आग बुझाने का राइट सीओ टू इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर क्योंकि सीओ टू जो ऑक्सीजन से हैवी होता है और मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये एक ब्लैंकेट बना देगा फायर के अराउंड जिसकी वजह से जो कॉन्टेक्ट होगा फ्यूल का और ऑक्सीजन का वो कट ऑफ हो जाएगा वो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और फायर कंट्रोल हो जाएगी राइट द एडेड एडवांटेज ऑफ सी ओ टू इज दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेज इट डजेंट हार्म द इलेक्ट्रिकल इफ इक्विपमेंट अधिकतर केसेस में अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाएंगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई हार्म नहीं होता है अब क्वेश्चन आता है कि हम भाई सी ओ टू बनाएं कैसे हाउ इट कैन बी स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर इसके अलावा जो एल है वो भी हम कैसे स्टोर करते हैं सिलेंडर्स में और इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर बट इट ऑल्सो ब्रिंक्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ़ द फ्यूल दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एस्टिंगविशर एक और तरीका है कि हम बहुत सारा ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल जैसे कि मैंने बताया ना सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसे या पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं वो फायर के नियर लाएं ताकि CO2 टू हो इसकी रिएक्शन होती है बेटा बेकिंग सोडा प्लस कॉन्क एस टू फोर ना सोडियम सल्फेट बनाते हैं और CO2 टू रिलीज करते हैं आपको ये पता होना चाहिए ठीक है काफ़ी सारे केसेस में इट कांट बी एलिमिनेटेड मतलब अगर बिल्डिंग को मान लो आग लगी है या पूर मतलब पूरा का पूरा फ्यूल ही बर्न कर रहा है तो फायर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट बेटा जी बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबसन के बारे में कि अगर आप कोई बर्निंग मेस्टेक या गैस लाइटर एक गैस स्टोव के पास ले आएंगे किचन में और उसकी नॉब को आप टर्न कर देंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि गैस जो है वो रैपिडली तेजी से बर्न हो रही है और हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो इस तरह के कंबशन को हम कहते हैं रैपिड कंबेशन जो बहुत जल्दी हो जाता है राइट उसे क्या कहते हैं रैपिड कंबेशन कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फास्फोरस वो एयर में बर्न करता है रूम टेम्परेचर पे तो इस तरह का जो कंबशन होता है किसी भी मटेरियल में वो सडनली बर्स्ट हो जाता है फ्लेम्स में और इस एप्लीकेशन के बगैर ठीक है ना उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं स्पॉन्टेनियस मतलब जो फटाफट -फड़ हो जाता है बिल्कुल क्षणिक हो जाता है राइट स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होता है यस yes. स्पॉन्टेनियस कम्बशन जो होता है कोल्डस्ट का वो रिजल्ट करता है बहुत डिजास्टर्स फायर्स में कोल माइन्स के अंदर स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स कई बार एक्सट्रीम हीट ऑफ सन की वजह से या लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से भी होती हैं अधिकतर जो फॉरेस्ट फायर्स हैं दीज आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स मैंने बताया न कि लोग पिकनिक मनाने के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं वहाँ यू नो बॉर्न फायर के टाइम पर वो आग जलती हुई छोड़ देते हैं ठीक है ना तो उससे भी कई बार आग लग जाती है मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कैम्प फायर मस्ट बी कंप्लीटली एस्टिंग्विश पूरी तरह बुझानी चाहिए बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिच ये बात आपको बड़े ध्यान में रखनी है राइट right, बेटा प्रभजोत आर यू आर्योदेयर वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डेज जब भी आप किसी क्रैकर को इग्नाइट करते हैं उसमें आग लगाते हैं तो एक सडन रिएक्शन होती है जिससे हीट लाइट और साउंड निकलता है और ज़्यादा अमाउंट में गैस निकलती है विच इज़ फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड इस रिएक्शन को क्या कहते हैं एक्सप्लोजन कहते हैं धमाका जो होता है बॉम्ब वगैरह जब एक्सप्लोड होता है इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर फ्लेम की बात करें जैसे कि अगर आप किसी ऑब्जर्व करेंगे किसी एलपीजी फ्लेम को तो आप उसका कलर बता सकते हैं बता सकते हो कौन सा कलर होता है एलपीजी फ्लेम का उसका ब्लू कलर होता है बेटा क्योंकि वो पूरी तरह से बर्न होता है और अगर आप वुड को बर्न करेंगे तो उसका जो कलर होता है वो येल्लो होता है येल्लो कलर जो है इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जाम्पल है और ब्लू कलर जो है वो कंप्लीट कंबशन का एग्जाम्पल है गी तो गी तो जिन अगर वुड को आप बर्न करते हैं तो पीछे रेजिड्यू बच जाता है लॉर्ड ऑफ एश इज लेफ्ट बिहाइंड तो वो इनकम्प्लीट कम्बशन है और ब्लू कलर जो है वो कंप्लीट कम्बशन का एग्जाम्पल है ठीक है ना उसमें कोई राख नहीं बचती अगर आप एलपीजी से खाना बनाते हो आप ऑब्जर्व करते हो तो आप मैग्नीशियम रिबन बर्न वाली एक्टिविटी भी आपको बताई थी उसमें व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है बेटा इसमें आप कैंडल मैग्नीशियम रिबन कैम्फर यानी कपूर कैरोसिन स्टोव चारकोल इसे आप बर्न करके देख सकते हैं और उसके फ्लेम का कलर आप नोट कर सकते हैं तो ये एक्टिविटी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ आप खुद ही करना ठीक है अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की अगर आप किसी कैंडल को लाइट अप करोगे और उसे फोर टू फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब पर टोंग्स की हेल्प से पकड़ोगे पेयर ऑफ टोंग जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं और इंट्रोड्यूस करोगे उसके एक एंड को डार्क जोन में ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम और अगर आप एक लाइटेड मैच स्टिक उसके पास ले जाओगे उसके दूसरे एंड के पास ग्लास ट्यूब के तो आप फ्लेम को देख पाएंगे एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब थोड़े समय के बाद राइट तो क्या ऐसी चीज है जो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है मतलब जिसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है और आप वैक्स को भी नोटिस करेंगे कि वो क्विकली मेल्ट हो रही है या नहीं हो रही राइट ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जो वेपराइज कर जाते हैं बर्निंग के दौरान वो फ्लेम्स देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल मोल्टन वैक्स ये सब राइज करते हैं विक के थ्रू और वेपराइज हो जाते हैं बर्निंग के दौरान और फ्लेम्स फॉर्म फौर, करते हैं चारकोल की बात करें तो वो वेपराइज नहीं होता और फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करता एक्टिविटी नंबर 6.5 में हमने आपको बताया था कि जो वैक्स के वेपर्स हो सकते होते हैं वो भी ग्लास ट्यूब से आते हैं राइट क्योंकि फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है इस वजह से राइट अगर आप कैंडल फ्लेम को स्टडी रखें तो हम एक क्लीन ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस करेंगे या स्लाइड को इंट्रोड्यूस करेंगे जैसा कि आप फिगर सिक्स पॉइंट वन वन में देख सकते हैं राइट फिगर सिक्स पॉइंट वन वन में आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड पर और उसके आपको पेयर ऑफ टोंग से दस सेकेंड तक ऐसे होल्ड करके रखना है फिर रिमूव कर देना है तो बेटा ये सारी एक्टिविटीज़ हैं प्लीज़ करके देखिए और इसके रिजल्ट नोट कीजिए राइट right? तो आप देख सकते हैं सर्कुलर ब्लैकिश रिंग जो है वो फॉर्म हो जाएगा ग्लास प्लेट या स्लाइड पर तो ये किसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये अनबंड कार्बन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि फ्लेम के ल्यूमिनस जोन में आ रहे हैं अब आपको एक कॉपर वायर को होल्ड करके रखना है जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम लगभग थर्टी सेकेंड के लिए और ये नोटिस करना है कि जो पोर्शन होगा कॉपर वायर का जस्ट आउटसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम उसका काफी हाई टेम्परेचर होगा ठीक है ना जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं और फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो होता है वो देख सकते हैं ठीक है थीके? जो सबसे ये मिडल वाला जोन है वो पार्शल कम्बशन शो करता है वो येलो होता है आप देख सकते हैं जो इनरमोस्ट जोन होता है अनबर्नड वैक्स पेपर का वो ब्लैक होता है आउटर जोन जो होता है वो कम्प्लीटली ब्ल्यू होता है और इसी वजह से वो सबसे हॉटेस्ट भी होता है और बीच वाला मॉडरेटली हॉट है और सबसे कम हॉट ये वाला पार्ट है जो आप देख रहे हैं जो इनर मोस्ट है राइट अनबर्ट वैक्स पेपर होते हैं उसमें ये वैक्स की कैंडल है जो कि आपको दिख रही है तो ये फिगर आपको बना के देखना बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है राइट अगर आपने गोल्ड स्मिथ को देखा हो सुनार को देखा हो तो वो ब्लू करता है आउटर मोस्ट जोन को फ्लेम के विद अ मेटलिक ब्लो पाइप जब वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करता है ठीक है ना और वो ऐसा क्यों करता है राइट अब ये ऐसा क्यों करता है ये आप मुझे आंसर बताएंगे यह क्वेश्चन आपके लिए राइट इसके बाद बात करेंगे फ्यूल क्या होता है देखिए आपने सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए पढ़े हैं है। वो मेनली वुड चारकोल पेट्रोल कैरोसिन ये सब है ये इन्हीं सभी सब्सटेंसेस को हम फ्यूल कहते हैं एक जो बेटा अच्छा फ्यूल है वो इजीली अवेलेबल होता है चीप होता है उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता है बर्न कर जाता है इजीली एयर में भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है और कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस नहीं छोड़ता ठीक है तो ऐसा तो शायद कोई फ्यूल हो जिसे हम आइडियल फ्यूल समझ सकें हर फ्यूल में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है लेकिन फिर भी हमें ऐसा फ्यूल ढूंढना है जो अधिकतर डिमांड इनमें से पूरी कर सके ठीक है ना ओके ये आपको ध्यान रखना है तो आप फ्यूल की लिस्ट बना सकते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। जैसे कि अगर आपको बॉईल करना हो एक गिवन क्वांटिटी ऑफ वॉटर को यूजिंग काउडंग या कोल या एलपीजी एज अ फ्यूल तो आपको चूज करना है कौन सा सबसे बेटर होगा कावडंग को तो बेटा बर्न करना ही बड़ा मुश्किल काम है राइट पहले जमाने में जो लेडीज को बर्न करके मतलब गोबर के उपलों को बर्न करके खाना बनाती थी उन्हें वो लगातार एयर ब्लो करनी पड़ती थी ऐसे एक हॉलो पाइप से तो उनके लंग्स में काफी प्रॉब्लम हो जाती थी ठीक है तो बाद में ये एल आई राइट तो एल अभी फिलहाल सबसे बेस्ट तरीका है डू दीज फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ना जैसे अगर एक सिलेंडर है मैंने कहीं पढ़ा था या तो चार लोगों के लिए एक सिलेंडर हम यूज करें या पूरा कमरा भर के लकड़ियां यूज करें तो आप बताओ कौन सा बेहतर तरीका होगा राइट ठीक है ना इसी वजह से एलपीजी सिलेंडर आजकल तो पाइपलाइंस भी आ गई हैं वो सिलेंडर भी कैरी नहीं करना पड़ता राइट तो कैलोरीफिक वैल्यू मैंने बताई वन किलोग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करके कंप्लीटली बर्न करके जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे डंग की सबसे कम है और हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा और पेट्रोल की लगभग फिफ्टी किलो जूल के आसपास है राइट तो क्लास ये था हमारा सेकेंड लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा ये कैलोरिफिक वैल्यू बस मैं एंड कर देता हूँ किलो जूल पर किलोग्राम इसकी यूनिट है देखिए यहाँ पर वैसे दी है डंग की सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड ये वो सिक्स टू एट किलो जूल पर ग्राम में बोली थी बेटा ये पर किलोग्राम में इसलिए सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड हो गई राइट वुड की देख लो सेवनटीन थाउजेंड टू ट्वेंटी टू थाउजेंड सबसे ज़्यादा मैंने हाइड्रोजन की बोली थी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड किलो जू ये पर किलोग्राम है मैं आपको ग्राम के हिसाब से बोल रहा था ठीक है तो क्लास आज के लेक्चर में आप प्लीज़ ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे यहाँ तक अच्छे से पढ़िए विल कम बैक थैंक यू